दिल्ली। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, श्री दरबार साहिब में बेअदबी की घटना दुखदाई है, सब लोग सदमे में हैं, ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, केजरीवाल। नोएडा, परिवहन विभाग में 15 साल की अवधि पूरी कर चुके 95,000 से अधिक निजी वाहनों का पंजीकरण 6 माह के लिए किया गया निलंबित। मऊ, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजीव राय का दावा है कि उनके घर पर 15 घंटे तक छानबीन करने के बाद आयकर विभाग की टीम को उनके घर से महज 17,000 रुपए ही मिले। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का पारा पहुंचा -6 डिग्री तक, जमने लगी है डल झील। नई दिल्ली, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,081 नए मामले सामने आए, 7,469 लोग ठीक होकर घर गए, जबकि 264 लोगों की हो गई कोरोना से मौत। अखिलेश यादव एवं जयंत चौधरी की दूसरी संयुक्त रैली 23 दिसंबर को अलीगढ़ की इगलास विधानसभा में। नई दिल्ली, फिर से बढ़ सकती है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, 31 दिसंबर तक सभी को इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी, माना जा रहा है कि इसे फिर से बढ़ाया जा सकता है। इस साल पहले ही 2 बार ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाई जा चुकी है, पिछले साल इसे 3 बार बढ़ाया गया था। मिर्जापुर, अदलहाट थाना क्षेत्र में रपुरिया घाट पर भंडारा में आई 3 लड़कियों के नाव पलटने से गंगा में डूब गई, स्थानीय पुलिस एवं DNDRF की टीम ग्रामीणों की सहायता से तलाश में जुटी है, नाव पर नाविक को लेकर कुल 5 व्यक्ति सवार थे।